हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीसी ब्लॉग। तो आप लोग कैसे होप आप लोग ठीक होंगे और ठंड को एंजॉय करते होंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आया था जब मैं गई थी दिल्ली, तब आप लोग का मैसेज आया था कि दिल्ली में बहुत ज्यादा सस्ता सामान मिलता है, बहुत ज्यादा सामान लगेगा। तो मैंने सामान बहुत ज्यादा लिया है, पर यहाँ पर जितना सामान मैं अपने लिए ली हूँ उतना ही दिखाऊंगी। तो पहले मैं अपने लिए चांदनी चौक से मेरा वन एंड ओनली फेवरेट ये ली थी चूड़ी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इसका प्राइस भी बोलूंगी, क्योंकि आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितना सस्ता है और मुझे कितना सस्ता लगा। ये मुझको मिला था 550 का, जो कि पूरा कलरफुल कलर में और बहुत ज्यादा प्यारा है। और 550 को नेपाली करेंसी में हम लोग ऐड करेंगे तो 860, और 860 में यहाँ पर के लिए चूड़ी बहुत ज्यादा ही सस्ता है। और नेक्स्ट में मैं ली थी एक पर्स, जो कि पर्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सुना था, मेरी मम्मी लोग भी बोली थी कि वहाँ पर पर्स चांदनी चौक में बहुत ज्यादा ही सस्ता मिलता है। पर मैं जहाँ चांदनी चौक मार्केट में गई थी एग्जैक्ट में जहाँ पर मैं देखती हूँ नेट सब में, वैसा मैं नहीं गई थी और मुझे पता भी नहीं था, ज्यादा आइडिया भी नहीं था डेली का। तो मैंने ली थी ये पर्स, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लगा, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो मैंने ली थी ये पर्स, और ये पर्स मुझको पड़ा था, ये पर्स से मुझको 550 बोला था, पर मैं इसका पर्स का 500 दी थी, और जो कि नेपाली करेंसी में इसका होगा 800। और 800 में ये प्राइस, 800 में ये पर्स हम लोग को यहाँ पर छूने तक भी नहीं देता, तो ये भी मुझको यहाँ वहाँ पर सस्ता लगा, रिजनेबल भी लगा। और थर्ड बार में मैं ली थी ये जूती, ये जूती बहुत ज्यादा प्यारा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छा है। और बहुत इसका प्राइस मुझे थोड़ा सा हाई लगा डेली के हिसाब से, जो कि इसका प्राइस है 580 और मैंने ली थी 550 में, 860 पर, यहाँ पर 860 में नहीं मिलता, पर डेली के हिसाब से थोड़ा सा मुझे महंगा लगा, पर बहुत ज्यादा अच्छा है। ये रहा मेरा तीसरा सामान। और चौथा में मैं ली थी जहाँ पर वेस्टर्न ड्रेस का डिमांड, यहाँ वेस्टर्न ड्रेस का डिमांड ज्यादातर केटीएम में होता है, वहां पर भी मैंने जाकर देखा, हम लोग जहाँ ठहरे थे वहां पर गांधीनगर था, और गांधीनगर में सब चीज ही होलसेल मिलता था। तो मैंने होलसेल वाले भैया को बोले एक दे दो, तो उन्होंने बोल के ही दिया कि एक में हम लोग 50 रुपए ज्यादा करके लेते हैं, तो आपको लेना है तो लीजिए। तो मैंने एक जींस होलसेल से लिया था, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था, इसका एक्चुअल प्राइस था 500 था, पर मुझको लिया गया, मैंने दी थी 550, क्योंकि मैंने बस एक पीस इसका लिया था, एक पीस इसका ली थी इसी कारण। और नेक्स्ट वन में मैंने सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, जो कि मुझे ज्यादा बहुत ज्यादा, मैं ज्यादातर वेस्टर्न ड्रेस अपने मायके पहनती थी, यहाँ पर कुर्ता ही पहनती हूँ, ज्यादा ससुराल में रहती हूँ, पर मैंने मायके के लिए भी वेस्टर्न ड्रेस सब ले ली, वो जो कि ये वाला बहुत ज्यादा ही मुझको सस्ता लगा। ये है उलन टी शर्ट, जो कि मुझे ये बस 150 का ही वहां आ गया और बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मैंने 150 का ये वाला 4 लिया था, जो कि मेरी भाजी लोग को 2 दी, और एक मैं ली और एक मेरी सिस्टर के लिए ली, जो कि मेरी बहन का लैवेंडर कलर में सब फेवरेट कलर में ये वाला है, जो कि बहुत स्वीट एंड सिंपल है, स्वीट एंड सिंपल है। उसके बाद मैं गई गांधीनगर में, ये सब मैंने चांदनी चौक से लिया था, और उसके और मैंने जहाँ पर हम लोग ठहरे थे गांधीनगर में, उस टाइम हम लोग रात को गए थे ये उलन वाला कुर्ती लेने, जो कि मैं एक लगा के गई थी गुरुद्वारे भी। ये उलन वाला कुर्ती बहुत ज्यादा रिजनेबल एंड एफोर्डेबल प्राइस है, यहाँ पर सोल में भी, इंडिया में भी इसका प्राइस 2200-1800 का चल रहा है, और वहां पर मुझे बस 515 में मिला था। और जो कि मैंने ऐसा सब, मैंने अपने ननद, अपने ससुराल वाला फैमिली, मायके वाला फैमिली, सब होल फैमिली के लेकर मैं ली थी इसका सेट, जो कि एक सेट में 5 आता है, मैंने ये था 3 सेट ले लिया था सब कलर में, जो जिसको जिसको जो जो कलर पसंद है वो लिया। और ये एक मेरी बहन का है, मैं अपना वाला लगा चुकी हूँ ऑलरेडी, ये रहा, मैंने ये 15 पीस लिया था और बहुत ज्यादा सस्ता मिला था। मैं तो सोच रही भाई अब शॉपिंग करना होगा डेली ही चले जाए एकदम सस्ता में, हम लोग एकदम कम पैसा में भी बहुत ज्यादा सामान खरीद सकते हैं वहां पर यहाँ पर ज्यादा पैसे में भी कम सामान खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत हाई रहता है। और मैंने नेक्स्ट में अपने लिए भी दी थी, ये रहा मेरा ही कुर्ता है, और मैंने 2 कुर्ता एक्स्ट्रा में भी दी थी, जो कि ये है वेलवेट का। ये अभी अभी का सीजन ऐसा चला है कि अभी ज्यादातर वेलवेट ही डिमांड है हर एक जगह, ये सॉफ्ट वेलवेट बहुत ज्यादा डिमांडिंग में चला है। और जो कि मैं लगाई भी हूँ नाइट सूट, ये भी मैंने दिल्ली से ही दी थी, ये 600 का पड़ा था, और इसका क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये रहा मेरा कुर्ता,
ये कुर्ता बहुत ज्यादा, ये थोड़ा हेवी में ली थी क्योंकि अभी पूजा फंक्शन कुछ भी पहन के जाकर इजीली पहन सको। इसका सलवार में भी थोड़ा सा टिप 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 वर्क है और इसका कुर्ता ये रहा वैसा ही टाइप का है, पर ये इसमें थोड़ा कपड़ा का चेंज है। और ये मुझको पड़ा था 600 IC जो कि ये भी बहुत ज्यादा दिखने को लगा। और नेक्स्ट कुर्ता मैं ली थी अपने लिए ये वाला जो कि बहुत ज्यादा आउटर में है और बहुत ज्यादा सुंदर है और मेरे पर बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा। सब लोगों ने बोला था ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा सो ले लो, तो मैंने ये ले ली। उसके बाद मैं ये मेरा एक नाइट ड्रेस एक है और दूसरा भी मैं ली थी ये वाला जो कि ये चैन में है और इसका प्राइस था 750 और 750 में ही ये बोला कि मैडम ये बहुत डिमांड में चल रहा है। और एक चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जो कि 1200 का कुर्ती था और बहुत ज्यादा पसंद आया था पर वो कुर्ती मैं नहीं ले पाई। क्यों नहीं ले पाई? हाँ उसका सेट 12 के सेट था और उतना 1200 × 12 करके तो ज्यादा पैसा लगता था, इसीलिए हम लोग वो नहीं ले पाए। पर उसके लिए बहुत ज्यादा पता हुआ वो सूट बहुत ज्यादा आता था, वेलवेट नहीं था पर उसमें हैंडवर्क था। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट सूट और उसके बाद एक और नाइट ड्रेस ली थी मैं वहां से जो कि ये रहा, ये है चैन में और ये है सस्ता का ही, ये है 450 का था। हाँ 450 का था तो ये सब मेरा रहा। और मैंने अपने बच्चों के लिए मतलब यहाँ के बच्चों के लिए थी जो कि मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी, और अपने सिम्बा के लिए मैंने सिम्बा आयुष के लिए ये ली थी जो कि ये भी मैं होलसेल से ही 700 में ली थी और इसका प्राइस भी 300 था। ये स्वेट में है, बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगा पहनने में। तो इतना ही मेरा, इतना ही नहीं अभी बहुत ज्यादा सामान सब है जो कि मैंने अपने भाई के लिए, अपने मम्मू के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपने दीदी के लिए दी थी जो कि मेरे मम्मी के पास है, वो मम्मी के पास अपने घर में है। और मैं इतना सामान लेके आई थी, मेरी नानद लोग का सामान मैं नानद को दे दी, भांजी लोग का भांजी को दे दी, सबका अपना अपना दे दी हूँ। और ये रहा मेरा सामान और डेली का एक्सपीरियंस इज बेस्ट। मुझे सबसे ज्यादा वहां पर अच्छा लगा अक्षरधाम मंदिर का वाटर डांस, वाओ इतना अच्छा था। उस टाइम मैं बस सोच रही थी बस मेरा बच्चा लोग यहाँ रहता तो कितना एंजॉय करता, और वही वाटर डांस। अब मैंने घूमी दिल्ली में, मैं ज्यादा नहीं घूम पाई क्योंकि मैं हम लोग गए थे काम के सिलसिले में, पापा का काम वहीं से होता है तो पापा बोले थे चलो तुम लोग भी चलो इसी बहाने तुम लोग घूम भी लोगे। तो पापा का काम दो दिन में ही हो गया था तो उसके बाद हम लोग को रिटर्न होना पड़ा क्योंकि पापा है बिजनेसमैन, पापा को एक काम नहीं बहुत काम रहता है। तो पापा रिटर्न हो गए, हम लोग गए थे मंडे को न्यू ईयर के दिन और फ्राइडे को रिटर्न हो गए थे। उतना ही मैंने बहुत घूम लिया, गांधीनगर घूमा, अक्षरधाम मंदिर घूमा, मेट्रो घूमी, उसके बाद कहाँ घूमी गुरुद्वारे, चांदनी चौक, पहाड़ी गंज या पहाड़ी इलाका कुछ है ऐसे कहकर, वो तो मुझे थोड़ा भी नहीं लगा कि वो डेली है। वो हम लोग केटीएम में पूरा केटीएम का ही रोड था, केटीएम का ही आइटम, केटीएम में जो जो बिचाता है वो सब था। तो वो ठाउं घूमकर हम लोग कहाँ घूमे, उसके बाद लाल किला बहुत ज्यादा ही बड़ा था, कुछ ज्यादा ही बड़ा था। हम लोग गए थे 3 बजे पर निकले थे हम लोग 6:30 5 बजे की 6 बजे म्यूजियम बंद हो गया था। उसके बाद हम लोग घूम फिर कर निकले और नेक्स्ट डे हम लोग का ट्रेन था। उसके बाद हम लोग का 2 दिन का सफर दिल्ली में बहुत ज्यादा अच्छा लगा और होप आप लोग को भी वीडियो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि आप लोग का डिमांडिंग है, मैंने अपने सिस्टर के वेडिंग में कौन ब्लाउज और साड़ी कहाँ से मिलाया था, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और ठंड से बच के रहिए, अपना केयर कीजिए, ठंड बहुत बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है तो अपना केयर कीजिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।